मावारी का मेरी सीधी क्यों नहीं सोती, हमेशा मेरी जगह घेर कर सोती है। बुरी बात। ये पानी तो बहुत ज्यादा गर्म था। जिसने भी ये किया बहुत बुरा किया। इतना गर्म पानी कोई रखता है क्या भला? बुरी बात। अभी जाता हूँ और माम से पूछता हूँ कि ये किसने किया। चिन-चिन, बताओगे ये क्या है? दूध है। मैं जानती हूँ तुमने ही दूध को बाहर रखा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इसे वापस फ्रिज में रखना चाहिए। इतनी गर्मी में अगर ये पूरी रात बाहर रहेगा तो ये खराब हो जाएगा, फिर तुम इसे सुबह नहीं पी सकते। दूध को वेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। माफ कर दीजिए मॉम। चलो जल्दी से जाकर कपड़े बदलो। आज संडे है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन इन्हीं कपड़ों में घूमते रहो। सुबह सुबह मुझे डांट पड़ गई। एक्शन का मिनी, आपने क्या किया? बुरी बात, बुरी बात। आज ये सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है? शिरो, लगता है आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे हाँ, अब मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। ध्यान से देखना शिरो, ये कमाल की ट्रिक है। ये था एक कमाल का एक्शन का मेन स्टंट। चिन-चिन, नाश्ता कर लो। ये देखो, आज मैंने तुम्हारी मनपसंद डिशेस बनाई हैं। ये मेरा मुंह जल गया। ध्यान से पीना चाहिए। पीने से पहले देख लेना चाहिए था कि गर्म तो नहीं है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा, अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। मुझे पता है, लेकिन आपको मुझे बता देना चाहिए था कि सूप गर्म है। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे क्या पता कि गर्म है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जल्दी से अपनी फिश खत्म करो। बेटा जल्दी करो, इसमें कांटे होंगे, नहीं खाऊंगा। मैं निकाल देता हूँ। ये निकाल दिए, चलो अब जल्दी से खा लो इसे। अरे अब तो कांटे भी निकाल दिए, अब क्या हो गया? कहा था ना डैड, मुझे नहीं खाना। मैंने ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। मैं पता नहीं सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। आज सुबह से क्या हो रहा है, जब उठा हूँ तब से कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। बुरी बात, बुरी बात, बहुत बुरी बात। क्या हो गया है अजमित सी? ये आज सुबह से ही शिकायत कर रहा है। आज जो भी लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, वो कृपया करके अपना प्लान बदल लें, क्योंकि आज रास्तों पर बहुत ज्यादा जैम होने वाला है। हो सकता है आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच ही ना पाए। जिस रास्ते से आपको जाना हो वहाँ पर भारी जैम हो, शायद आप पूरी रात उस जैम से ना निकल पाए और वहीं फंसे रह जाए। इसीलिए घर पर रहिए और हमारा प्रोग्राम देखिए जो बहुत ही। मैं आज कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। सारा काम खत्म हो गया। आज मैंने काम को ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? घर पे आराम से बैठना चाहिए। बहुत दिनों के बाद आज मैंने कार साफ की है मित्सी, बिल्कुल नई जैसी हो गई है अब तो। हैरी, मैंने भी आज सारा काम जल्दी खत्म कर लिया, अब क्या करें? मेरे पास भी करने को कुछ नहीं है। तुमने भी अपना काम जल्दी खत्म कर लिया है। आज मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगता है क्यों ना आज हम कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना लें, क्योंकि मुझे लगता है घर पर बैठे रहने से ज्यादा घूमने जाने का आइडिया बढ़िया रहेगा। अच्छा आइडिया है। वैसे हम जाएंगे कहाँ? ये तो मैंने अभी नहीं सोचा। चलो गाड़ी में बैठते हैं, फिर रास्ते में सोच लेंगे। इतना ट्रैफिक है आज। कुछ नहीं कर सकते, आज छुट्टी का दिन जो है सब लोग बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं। क्यों आ गए सब लोग आज घूमने के लिए बाहर? जिस दिन हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया, जरूरी था क्या उसी दिन सब लोग घूमेंगे? अब देखो मेरी स्पीड। हैरी, आराम से चलाइए प्लीज। आराम से चलाऊंगा तो जहाँ जाना है कल तक पहुँच पाएंगे। शिन-चैन, कहाँ जाना चाहते हो बेटा? बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए? कहीं नहीं मॉम, आज मैं कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम जाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आज मैं घर पर पढ़ाई करना चाहता हूँ। बड़ी अजीब सी बात कर रही है। आई, अभी से पढ़ाई की चिंता नहीं। हाँ, सुन ले, मैं जरूर चलूंगा। नैना को दीदी, आप
ये लड़का भी ना। इसने अपने नए कपड़े क्यों पहन लिए? आज ये कपड़े पहनने की ऐसी कौन सी वजह थी शिनचैन? आया शिनचैन अपना ध्यान रखना। जब मैंने शिनचैन को घूमने जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं हैरी, मैं तो कुछ चाइनीज खाना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा बेटी, अब तो बताओ कि तुम लंच में क्या खाना चाहोगी? जो आप लोग खाएंगे मैं वही खा लूंगी। शिनचैन तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, बताओ क्या खाओगे तुम? अरे मैंने तुमसे पूछा है, तुम शिनचैन से क्यों पूछ रही हो? जो हम खाएंगे ये भी वही खाएगा। तुम अपना ध्यान गाड़ी चलाने पर रखो। आपको ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी पसंद होती है। अच्छा चलिए आप लिखिए, मैं बर्गर खाऊंगा और चाउमीन भी। I'm a heavyweight।